हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू सर्विस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या पढ़ते हैं, शायद उनको ये बात मालूम नहीं होगी जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप सब लोग जानते ही हैं, इग्नू एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, और डिस्टेंस होने के बावजूद ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत कुछ है, फैसिलिटी भी है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इग्नू में स्टडी करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई अदर्स कोर्स कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी आप इग्नू में स्टडी कर सकते हो। इसके डिफरेंट्स प्रोग्राम में, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जैसे बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, कुछ भी हो, आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। जिन्होंने अपनी स्टडी बीच में छोड़ दी किसी कारणवश, वो इग्नू में कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएगी। यदि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल इग्नू सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल इग्नू सर्विस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर एक अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, असाइनमेंट रिलेटेड अपडेट कुछ भी हो आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इग्नू पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में गिनती आती है, वो भी टॉप वन में। वो टॉप वन बाय एनरोलमेंट के हिसाब से है, रैंकिंग के हिसाब से नहीं है। इग्नू में जो स्टूडेंट्स हैं, इनरोलमेंट उनके स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट हैं 34,99,999, अप्रॉक्स 35 लाख एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, और इतने स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है इग्नू में। ये चीज़ शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि इग्नू बहुत वास्ट यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया के अलावा, इसमें फॉरेन कंट्री वाले भी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है इसमें। इसके साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा वर्ल्ड्स टॉप 10 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, ये बाय एनरोलमेंट के हिसाब से है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट में तो मैंने आपको बता दिया इग्नू है। इग्नू आप सभी जानते हैं, आप इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और इग्नू के ही हैं, सबको पता है इग्नू इंडिया में ही है, और इसमें इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें एक्टिव स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट जो हैं वो अप्रॉक्स 35 लाख से फर्स्ट हो गया। तो हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा यूनिवर्सिटी है एनाडोलू यूनिवर्सिटी, जो तुर्की में लोकेटेड है, और इसमें एक्टिव एनरोलमेंट है 19,74,343। ये सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है बाय एनरोलमेंट। तीसरा यूनिवर्सिटी है इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, ये ईरान में लोकेटेड है, इसमें एक्टिव इनरोलमेंट है 16,13,000। जो फोर्थ यूनिवर्सिटी है वो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, इसमें अभी तक एक्टिव इनरोलमेंट 13,26,948 है। फिफ्थ जो है वह बांग्लादेश नेशनल यूनिवर्सिटी, नाम से ही पता चलता है कि यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में लोकेटेड है, इसमें इनरोलमेंट है 10 लाख। जो सिक्स्थ है वह है पयामी नूर यूनिवर्सिटी, ये भी ईरान में लोकेटेड है, इसमें इनरोलमेंट है 8,18,150।
जो सेवेंथ यूनिवर्सिटी है वह है बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी। जैसा कि नाम से ही है, बांग्लादेश में लोकेटेड है। इसकी इनरोलमेंट है 6,50,000। जो एट यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटीज तेरबुका। ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है और इसकी इनरोलमेंट है 6,46,467। जो नाइन्थ यूनिवर्सिटी है वह है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, नेपाल में लोकेटेड है। इसकी इनरोलमेंट है 6,04,437। और जो लास्ट यूनिवर्सिटी है 10वें नंबर पे, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। जी हाँ, आपने सही सुना, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। आप सभी लोग इससे परिचित हैं। और इसकी इनरोलमेंट है 5,49,432। तो फ्रेंड्स, ये हो गई टॉप 10 लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये बाय इनरोलमेंट के हिसाब से है। और भी ऐसा कुछ मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।